फंक्शन। तो पहले हम लोग फोकस करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। तो आप जब छोटे क्लास में थे तो आप ऐसे बहुत से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जानते थे, मान लो लीजिए 2 पावर x, 3 पावर 3, 4 पावर 5, 1 पावर 5। तो देखो ना, आज दे इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो और आपको इसमें पता है, देखो ना, यह जो होता है नंबर इसको बोलते हैं बेस, और जो ऊपर लगा होता है साहब इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं जी? एक्सपोनेंट या पावर। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है, तो भाई ना इसकी आपके पास नॉलेज शुरू से ही रही है, लेकिन मुझे थोड़ा इसको डीपली यहाँ पढ़ना है। तो चलो मैं मानता हूँ, यहाँ पे मैं मान लिया क्योंकि आप क्लास 12th में हो, तो मैं इसको फंक्शन से मान के चालू करता हूँ। तो मैंने माना कि लेट वाई बराबर ए टू द पावर ए एक्स बी ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वेयर ए तुम्हारे क्या है, तो कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि बच्चे अगर बताओ अगर ये जीरो होगा तो उसका पावर कुछ भी ले जाओगे जीरो ही मिलेगा। तो इसलिए यहाँ जो यहाँ पे मेन शर्त है, ये जो मेरा बेस है एक्सपोनेंट, सॉरी ये जो मेरा बेस ए है वो कभी जीरो नहीं होगा, और जो ये मेरा ए है वो हमेशा वन से बड़ा होगा। क्योंकि भाई देखो ना, अगर ये आप इसको वन लेते हो तो वन का भी पावर कुछ भी करोगे हमेशा वन मिलेगा। तो इस दो कंडीशन के अलावा ये सारे कंडीशन आपको इसमें क्या कल फुलफिल करने हैं, मतलब देखो ना, जो ये मेरा बेस है वो कभी जीरो नहीं होगा, ये जो मेरा बेस है कभी एक नहीं होगा। ठीक बच्चे, देखो तो हम इसको भाई देखो भाई इसको हम क्या बोलेंगे कि हियर बेस इज एक्स एंड पावर इज एक्स, सॉरी बेस इज ए एंड पावर इज एक्स। देखो बच्चे, और जो इसकी वैल्यू है वो तुम्हारे क्या है, वाई। ठीक है ना। अच्छा बच्चे, मान लो कि अब हम इसमें मानते हैं कि ये बेस ए बराबर आप मान लो 2। देखो भाई, देखो मैंने 2 क्यों माना, क्योंकि आपने यहाँ क्या लिखा है कि जो बेस है वो हमेशा ए से बड़ा होगा, सॉरी आपका हमेशा बेस 1 से बड़ा होगा, तो मैंने बेस को यहाँ क्या मान लिया, 2, जो 1 से बड़ा है। मुझे आप बताओ, अगर आप बेस को 2 माने तो अब जो ये फंक्शन मिलेगा क्या मिलेगा, 2 पावर x। ठीक है। अच्छा मान लो कि आप मान लो कि ए बराबर, मान लो कि मैं बेस को अलग 3 लिख रहा हूँ, तो मुझे जो ये फंक्शन मिलेगा क्या मिलेगा, वाई बराबर 3 पावर x। मान लीजिए आप यहाँ पे बेस को 4 मान लिए, तो अब जो फंक्शन मिलेगा वाई बराबर क्या मिलेगा, 4 पावर x। देखो एंड सो ऑन। मान लो कि आपने ए को क्या मान लिया, 10, यहां से आपको क्या मिलेगा, वाई बराबर 10 टू द पावर x। है ना। तो बच्चे थोड़ा मेरी बात गौर सुनना, यह जो आपका फंक्शन है वाई बराबर 10 टू द पावर x, दिस इज आल्सो एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बट इसका एक अलग नाम होता है, इसको हम बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंट फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन एक्सपोनेंट फंक्शन। मतलब कि अगर बेस आपका 10 है तो हम उस टाइप के जो भी एक्सपोनेंट फंक्शन होते हैं उनको बोलेंगे कॉमन एक्सपोनेंट फंक्शन। ठीक है ना। अच्छा चलो भाई थोड़ा यहां देखो, देखो मान लो ना आप इसी में, देखो आपने यहां क्या लिया, वाई बराबर ना, जब यहाँ पे देखो जब आपने ए की वैल्यू 10 लिया था तो ये आपका वाई बराबर 10 टू द पावर x मिला था। बच्चे थोड़ा मान लो, देखो मैं अगर यहाँ पे बेस ए को ई ले लूँ, ई मैं अभी इस ए के बारे में सॉरी ई के बारे में मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगा, बट मान लो ना, देखो ना आप इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो ए है, जो बेस है, आपने ई मान लिया, देखो तो यहाँ से आपको वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, ई टू द पावर एक्स मिलेगा ना। और बच्चे यह जो आपका होता है फंक्शन वाई बराबर ई टू द पावर एक्स, हम इसको बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंट फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंट फंक्शन। देखो और आपके मन में जो अब लहरें जो उठ रही थी कि भाई ई क्या है, तो वेयर ई को बोलते हैं यूलर नंबर। क्या बोलते हैं, यूलर्स नंबर। और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 2.718। ठीक भाई, तो आप इसको मेंशन कर लीजिएगा, बट ये मेरा कंफर्म है 2.718 होता है। क्वेश्चन और ये जो ई है ना वो तुम्हारा होता है इरेशनल नंबर। क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो बच्चे आपका यह था कि कौन सा एक्सपोनेंट कॉमन एक्सपोनेंट कहलाएगा और कौन सा एक्सपोनेंट आपका नेचुरल एक्सपोनेंट कहलाएगा, और क्यों होता है, कैसे होता है। तो यह था एक्सपोनेंट का एक छोटा सा टॉपिक। आई थिंक यह आपको समझ में आया होगा। अब हम इसमें इसके ग्राफ की ओर आते हैं, बढ़ते हैं।
देखो जी, मान लो कि हमने इसका ग्राफ खींचना है, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंट फंक्शन, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंट फंक्शन किसका, तो y बराबर a टू द पावर x का, जहां a तुम्हारे क्या है, तो 1 से ग्रेटर है और a तुम्हारे कभी जीरो नहीं है। तो मुझे इस ग्राफ का फंक्शन, सॉरी इस ग्राफ का मुझे ग्राफ सॉरी मुझे इस फंक्शन का ग्राफ खींचना है। तो बच्चे मैं देखो, पहले मैं यहां पे क्या करता हूं, पहले मैं इसका एक जब क्वाड्रेंट में इसको क्या कहूं, मैं यहां पे डिराइव करता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहां पे पता है, और यहां लो जीरो, इसको ले लो वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ले लो वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ले लो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। तो बच्चे आपके पास जो ये फंक्शन था, जो आपके पास क्या था, जो एक्सपोनेंट फंक्शन था वाई बराबर ए टू द पावर एक्स, मान लो कि आप अगर इसमें ले, आपने बेस को मान लिया टू, क्या समझे, क्या मिलेगा, वाई बराबर टू टू द पावर एक्स मिलेगा। अब बोलो यस सर। देखो जो ना, अब मैं इसी एक्स को मैं चेंज करूंगा तो मुझे वाई की वैल्यू मिलता रहेगा। मान लो कि मैं इसमें एक्स वैल्यू क्या ले लिया, जीरो, क्या समझे, वाई की वैल्यू क्या मिलेगा, टू टू द पावर जीरो यानी कि वन। बच्चे आप बताओ, जब आप इसमें x की वैल्यू क्या लिया, बच्चा आप जब इसमें x वैल्यू क्या लिया, जीरो लिया, तो आपको y की वैल्यू क्या मिलना है, वन, यानी आपको वैल्यू मिल जाए। थोड़ा मैं लाइन कहना है तो थोड़ा आप इसको मेंशन कीजिएगा, यानी दिस पॉइंट इज जीरो कॉमा वन, ठीक है भाई। अब देखो, मान लो कि मैं अब इसमें इस पावर को x को वन ले लू, तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगा, टू टू द पावर वन यानी कि टू मिल जाएगा। यानी कि जब इसमें हम x की वैल्यू, जो पावर x है, 1 लिया, तो मुझे फंक्शन y बराबर 2 टू द पावर 1 एंड 2 मिल जाएगा। तो जब हम 1 ले लिए, मुझे y की वैल्यू 2 मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो लिखते हैं यहाँ पर 1 और 2 अभी करना। अब देखो, चाहे मान लो कि आप इसमें ले x बराबर आपने 2 ले लिया, मतलब जो पावर है आपने उसको 2 भाई क्या किया, इंक्रीज किया, तो मुझे यहाँ से y की वैल्यू 2 टू द पावर 2 यानी क्या मिल जाएगा, 4। बच्चे तो आप देखो, जब इसमें x वैल्यू आपने 2 लिया, तो y की वैल्यू 1, 2, 3, 4 यहाँ पे ऐसे बच्चे आपको मिलता रहेगा, है ना। इसको थोड़ा मिला हुआ ये आपको ऐसा कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जब ग्राफ आपको ऐसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो अब देखो, मान लो कि आप कहो सर कि थोड़ा सा आप क्या लो भाई, तो माइनस ले लो। तो भाई मान लो कि हम इसमें x की वैल्यू क्या ले लिए, माइनस वन, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगा, टू टू पावर माइनस वन यानी कि 1/2, मतलब क्या होता है, तो 0.5, तो 0.5 बाय देखो मतलब क्या हुआ, इस 1 का आधा, मान लो इतना यानी यहाँ पे। तो बच्चे देखना, यह जब ग्राफ आपका देखो है ना, देखो ना, यह आपका ऐसे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे। और बच्चे यही तुम्हारा ग्राफ जो होता है, ये तुम्हारा ग्राफ y बराबर a टू द पावर x का होता है ना। यानी यहाँ पे लिखो पॉइंट, ये पॉइंट तुम्हारा कितना है, हाफ ना, यानी कि माइनस वन कामा 0.5 या हाफ ही वैसा। बच्चे बच्चे देखो ना, यही तुम्हारा ग्राफ क्या होता है, y बराबर ax का होता है। आई थिंक ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा। और बच्चे ना, आप इसको जब देख रहे हो तो क्या पा रहे हो, ये जो मेरा ग्राफ है वाई बराबर ए टू द पावर एक्स, यहाँ पे ए आपने टू लिया है, और आपने जब इसमें जो पावर को आप जब इसमें अलग अलग रख रहे हो, तो ये तुम्हारे क्या भाई, ये तुम्हारे इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, क्या रहा भाई, इसी से इंक्रीजिंग फंक्शन बोलो या ग्राफ बोलो, इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक बच्चे। तो यह था आपका शानदार एक बेहतरीन सा ग्राफ y बराबर a टू द पावर x का। अच्छा बच्चे ना, मान लो कि कोई तुमसे अगर पूछता है कि बताओ यह जो फंक्शन मेरा है y बराबर a टू द पावर x, ये किस पॉइंट से होता हुआ जाएगा, तो देखो ना, आपको हमेशा यहाँ क्या बोलना है सर, या हमेशा 0 और 1, यानी कि हमेशा 0 कॉमा 1 से ही होकर जाएगा, मतलब कि ये जो मेरा y बराबर a टू द पावर x का जो जो भी आप लो इसमें ग्राफ लो, जो भी आप इस बेस को चेंज करो, देखो चाहे यहाँ यहाँ पे आप 3 लो तभी मेरा यह 0.1 से होकर जाएगा, 4x लो मतलब ना इस बेस को 4 करो तभी मेरा यह 0.1 से होकर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि देखो ना, यह जो मेरा है फंक्शन y बराबर a टू द पावर x, आप इसमें बेस को कुछ भी रखो, हमेशा इस टाइप के फंक्शन का ग्राफ हमेशा 0.1 से ऐसे होता हुआ ही जाएगा। तो ये था आपका y बराबर a टू द पावर x का एक शानदार सा जो ग्राफ जो मैंने आपको यहाँ पे
समझाया या मेरी समझाने की कोशिश की, आई थिंक कि यह आपको समझ में आया होगा। और प्लीज अगर या ग्राफ यह फंक्शन आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।